नीतू सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर आगे बढ़ते हैं। मुंडेरा के 8 साल के बच्चे का हुआ हत्या। जी हां, प्रयागराज के मुंडेरा में 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। यह हत्या मछली मंडी के पास की गई है। बच्चे का नाम दिलकश बताया जा रहा है, जिसमें कत्ल करने वाले को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है। बच्चे की हत्यारे का नाम अशफाक पुत्र मोहम्मद इकरार गब्बर बताया जा रहा है। पूछने पर बताया कि मेरा तथा मृतक के पिता से 20,000 का पुराना हिसाब था। जियाउल्लाह मुझसे मेरे पिता से आए दिन 20,000 मांगते रहते थे, जिसको लेकर 5 से 6 दिन पहले भी हम लोगों में विवाद हुआ था। उसी रंजिश में मैंने जियाउल्लाह के लड़के दिलकश को सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। एक दिलकश नाम का बच्चा था, जो लोग बिहार के यहाँ पे काम वगैरह करते हैं भट्टी और अन्य जगहों पे। ये मछली मंडी मुंडेरा के पास उसकी डेड बॉडी एक जगह कूड़े के पास मिली, जिसमें तमाम तफ्तीश करने के बाद पता चला कि उसी का ही रिश्तेदार एक जो अशफाक नाम का था, उसके मृतक के पिता से 20,000 रुपये से लिए थे, क्योंकि मृतक का जो पिता है उससे पैसे की मांग कर रहा था। तो जो ये अभियुक्त है अशफाक और इसका फादर आपस में इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उससे बदला लेने के लिए और उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक बच्चे को मार दिया। जब डेड बॉडी को पुलिस कस्टडी में ले करके और उसकी औपचारिकता पूरा करके पीएम के लिए भेजा गया है। शेष उसमें पीएम वगैरह आएगा और इस अभियुक्त के लिए जो है बदला। बिना हेलमेट वाहनों को नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल। जी हां, प्रयागराज के बाई का बाग में पेट्रोल टंकी में बिना हेलमेट वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, तथा अधिकारियों द्वारा यहां पर एक बैनर भी उपलब्ध कराया गया है, जहां हेलमेट पहनना बहुत जरूरी बताया गया है। वहीं दूसरी ओर मानसून सिनेमा के पास पेट्रोल लेने के लिए लोगों का बहाना सुनते ही बन रहा है, जहाँ लोग पेट्रोल लेने के लिए वाहनों का पुल बना रहे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की। क्या यहाँ पे हेलमेट के बिना पेट्रोल दिया जा रहा है? नहीं सर, और कोई दबाव भी डाला जा रहा है कि आप पेट्रोल दीजिए बिना हेलमेट के? हाँ सर, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। दबाव कोई डाला जा रहा है आपके ऊपर? दबाव कौन है? दबाव कस्टमर दबाव डाल रहे हैं, कौन डाल रहे हैं? क्या यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद रहते नहीं? हाँ, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं। कब से कब तक रहते हैं? सुबह से आते हैं 9 बजे से। 9 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे तक रहते हैं। आपका नाम? नाम राजू कुमार यादव। ये टंकी का नाम क्या है? काशी ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, आपके लगभग 4th-5th दिन है, तो इसमें कहाँ तक सुधार आया? पब्लिक जो है हेलमेट लगा के आ रही कि नहीं? पब्लिक आ रही है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से और भी सुधार होगा, लेकिन इसमें प्रशासन और पेट्रोल पंप कर्मचारियों का दोनों का सहयोग इनका बराबर रहा है। अन्यथा ये आपस आ रही, अगर ये मेरे भाई मेरे बंधु हैं, इनको कह करके पेट्रोल दे दिया जाए तो ये सुधार नहीं हो सकता। हम लोग ये चाहते हैं कि बगैर हेलमेट के पेट्रोल न दिया जाए, इसलिए हम लोग भी तत्पर तैयार हैं। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार भेद। यहाँ लेते एक छोटा सा विराम। कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रवेश प्रारंभ 2019-20। पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, बीए, एमएस, बीएड, बीटीसी में सीधे प्रवेश प्रारंभ। कन्हैया अलंकार मंदिर, कुंदन, पोल की जड़ाऊ, वैवाहिक व हीरे के गहनों का अनुपम संग्रह। जनजात कटे होट एवं तालू का निःशुल्क इलाज। प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी का उच्चकृत केंद्र जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी। श्री भागवत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसएमएस कॉलेज के सामने, बाईपास रोड, खुशीपुर, वाराणसी। रजिस्ट्रेशन ओपन। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एचकेएस मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स, गोल्ड ज्वेलरीज। काशी पर चढ़ेगा अब सच्चे स्वाद का रंग, पान पारस कायम, पान मसाला स्वाद में सच्चाई। कृष्णा हुंडई महाबचत महोत्सव, दिनांक 30 जून 2019 तक। स्थान कृष्णा हुंडई शोरूम, वाराणसी। विराम के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रयागराज जिले के बाबूगंज बाजार से कन्हेटी को जाने वाली रोड, जो कि हल्की बारिश में तालाब के सकल में दिखाई देने लगता है, यह रोड विगत 2 वर्षों से गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस पर ना तो किसी विधायक का ध्यान जा रहा है और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग का ध्यान जा रहा है।
इस रोड पर आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज पहली बारिश में सड़क तालाब बन चुकी है, जिसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जहां मुन्ना सिंह, मनोज दुबे, रितेश कुमार, सोनी, डॉक्टर राजू पटेल आदि ग्रामीण शामिल रहे। भदोही से हमारे संवाददाता दिलीप पांडे की रिपोर्ट। हॉस्पिटल भी डाल दो। बराबर कौन से एरिया है ये? बाबूगंज। ये रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये रोड कहाँ से कहाँ तक है? बाबूगंज से पतुरकी। अच्छे, रोड कब से ऐसे खराब पड़ी हुई है? कितना दिन से? दो साल से करीबन। क्या नाम है चाचा आप? मनोज कुमार दुबे। ये कौन सा गांव है? ये बाबूगंज है। कब से ये रोड की समस्या है? ये रोड 2 साल पहले से ही ऐसा खराब हुआ है। यहाँ लोग गिरते रहते हैं, आए दिन यहाँ पर हादसा होता रहता है गिरने का। जी, इस पे कोई कार्रवाई इसके संबंध में किसी अधिकारी के पास गए थे आप? अभी हम लोग नहीं गए थे सर, लेकिन यहाँ पर एक बार गिट्टी गिरी, उसके बाद फिर ऐसा वैसा काम हुआ, फिर दोबारा यहाँ कोई देखने ही नहीं आया। कितना दिन से खराब पड़ी हुई है ये? आप समझिए कि 2 साल 2.5 साल हो गए लगभग। ये आप जाएंगे ना तो वहाँ पर बोलने से बैच अब जाके आराम को हो जाएगा। हाँ, क्या समस्या है बताइए? समस्या हम लोग का है, आजकल क्या समस्या है भाई? कितना दिन से ये है? अरे 2.5-3 साल हो गया। तो इसके संबंध में आप आगे कहीं बात किए? इसके संबंध हम लोग अधिकारी के प्रति किसके पास गए? क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख के दिए, विधायक के पास दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके पहले लेकिन प्रवीण भी आए, सबको हम लोग जानकारी दिए, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई बारिश में ऐसे ही प्रॉब्लम होती है? ऐसे प्रॉब्लम होती है, लोग गिरते रहते हैं। हाँ, हम जाते तो ये कित पे मांग चलिए कि 2 फीट से कम नहीं है। कितना फीट है? 2 से 2.5 फीट। आगे खबरों का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा, बने रहिए फॉक्स न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।